वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्किन ब्यूटी ग्लैम। जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। मुझे गले में थोड़े इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ वेदर अचानक से चेंज हो रहा है, दैट्स वाई। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ अबाउट दिस रेज़र प्रोडक्ट। बेसिकली ये टिंकल कंपनी का है आईब्रो रेज़र, इसमें कि आपको थ्री ब्लेड्स मिलते हैं। ब्लेड्स आई कैन से इट और नो, आई डोंट नो, बट इसमें बेसिकली ब्लेड्स ही होते हैं जो आपकी स्किन पे जो भी अनवांटेड हेयर होते हैं उसे रिमूव करते हैं। इसमें स्टेनलेस सेफ्टी है, सेफ्टी कवर है, जिससे कि आपकी स्किन पे कोई भी कट का डर नहीं बनता। बट फिर भी हमें बहुत ही केयरफुली इसको यूज़ करना चाहिए। सो मैं आपको कोशिश करूँगी हो सके तो आपके साथ ज़रूर अपने फेस के साथ इसको करके दिखाऊँ, रिकॉर्ड करूँगी मैं वीडियो जब भी मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। तो आप पढ़ सकते हैं इसके पीछे जो भी इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने क्लेम किया हुआ है ये आईब्रो के लिए है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इससे अपनी आईब्रो को बिल्कुल भी टच करने की कोशिश ना करें अगर आप बिगनर हैं तो, बिकॉज आईब्रो फेस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको हमें अच्छे से शेप करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इससे हम रिमूव तो कर सकते हैं हेयर, बट फिर भी मैं कोई रिकमेंड ऐसा करूँगी नहीं कि आप इससे अपनी आईब्रोज को छेड़ें। हाँ, आप अपने जो भी चीक्स पर हेयर होते हैं, आप अपर लिप्स पे, फोरहेड पे, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी एज सच कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो जैसा कि इस पर क्लेम किया हुआ है कि इस पर स्टेनलेस कवर है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, जो सेफ्टी कवर है, तो आपको कोई भी कट नहीं लगेगा चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन ही क्यों ना हो। तो सेकेंडली आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं जो कि इस पर भी क्लेम किया हुआ है, आईब्रो रेजर है, रिमूव द फाइन हेयर्स ऑफ द आईब्रोज, नेक एंड फेस एज वेल एज अननेसेसरी हेयर एल्सवेयर। कहीं भी आपके हेयर हैं अनवांटेड हैं, आपको इजीली रिमूव कर सकते हैं। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप इसको एज डायरेक्ट, इस पर ये लोग बताते नहीं हैं, बट फिर भी आप इसको डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई ना कीजिए। आप पहले कोई फेशियल ऑयल या फिर एलोवेरा जेल को अच्छी तरीके से पूरा अपने फेस को वेट करने के बाद ही इसे इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल केयरफुली। मैं आपको इसके साथ जब भी मैं अपना रिव्यू करूँगी, मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको सच में इसके बारे में और दिखा सकूँ। फर्स्ट मैं इसका ओपन करके आपको एक बार ऐसे ही दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके का होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का इसमें एक कवर आता है, प्लास्टिक कवर, जिसको प्रोटेक्ट कर, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको अपने ये देखिए, अगर ये कहीं किसी किसी चीज़ में ना एकदम प्लेन ब्लेड्स आते हैं, जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे उससे आपकी स्किन पर कट लगने का बहुत ज़्यादा डर बना रहता है। तो देखिए, आप इस तरीके के जिस पे ये स्टेनलेस कवर होते हैं, सेफ्टी कवर, आप उसी को यूज़ कीजिए। आप फर्स्ट टाइमर हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कोई भी रेज़र आप अपनी स्किन पे मत लगाइए जब तक कि आप उस पर ऐसे कुछ पैटर्न ना देखें। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं इसको बिल्कुल अपने हाथ से प्रेस कर रही हूँ पूरी तरीके से। ये देखिए, कोई भी कट मेरी स्किन पे बिल्कुल भी, मुझे कुछ पेन तक मुझे फील नहीं हुआ 1% का भी। तो आप ऐसे ही ब्लेड्स को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी एकदम प्लेन ब्लेड्स जो भी आते हैं उनको बिल्कुल ही आप अवॉइड कीजिए। तो या जब भी मैं आपको अपने अनवांटेड हेयर्स को मैं जब भी रिमूव करूँगी अपने फेस से, तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए गाइज, प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे और नॉलेज और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, आई मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्किन ब्यूटी ग्लैम। थैंक यू सो मच।